जिले के थाना सालाबाद क्षेत्र के गांव में नाबालिग को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस मामले को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें पीड़िता के परिवार की तरफ से एक शिकायत दी गई थी कि उनकी नाबालिग बेटी घर में अकेली थी, जिसे क्षेत्र के तीन युवकों ने जबरदस्ती पहले तो उसे उसकी मर्जी के खिलाफ अगवा किया और बाद में उसे कहीं दूर सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। इसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पहले तो पीड़िता का मेडिकल करवाया और उसे अदालत में बयान दर्ज करवाए और बाद में घटना के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के परिवार को किसी भी प्रकार की धमकी दिए जाने की बात से पुलिस अधीक्षक ने इनकार किया है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पूरा दिन पुलिस परिवार के साथ थी और आगे भी ये ध्यान रखा जाएगा कि पीड़िता के साथ व उसके परिवार के साथ किसी प्रकार की ज्यादती ना हो पाए। पुलिस ने घटना से संबंधित जिन तीन आरोपियों को काबू किया है उनमें एक नाबालिग भी शामिल है। ये 18 तारीख की रात का एक घटना है जिसमें कल एक शिकायत दी गई थी। उस शिकायत के संबंध में बताया गया था कि एक नवयुवती है 16.5 साल की, उसको रात में उसके घर से अपहरण करने और उसके बाद में उसका बलात्कार करने के संबंध में कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। इसमें कल ही मुकदमा दर्ज किया जाके मुकदमा दर्ज करने के बाद में उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया और उसके जो अदालत में बयान कराने के बाद मामले को पाया गया कि मामला उसमें जो घटना हुई है इसके संबंध में आगे कार्रवाई करते हुए आज इस मामले में तीन लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। ये सालावास के सूर्यावास गांव से संबंधित मामला है। नवयुवती क्योंकि अनुसूचित जाति से संबंधित है तो इसमें SC ST एक्ट के संबंध में और गैंगरेप से संबंधित जो धाराएं हैं उनके अंतर्गत तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिनमें से एक जो है जुवेनाइल है और दो वयस्क है। इन तीनों लोगों के खिलाफ आज गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। इनको राउंडअप कर लिया गया है और जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं पूरी करके उनको जेल भेज दिया। सर, बताया जा रहा है कि परिवार को धमकी दी गई है जान से मारने की, इस तरह की कोई चीज़ हमारी नोटिस में नहीं है क्योंकि कल पूरे दिन भी कार्रवाई चल रही है, पूरे दिन पुलिस उनके साथ में रही है, उनका परिवार भी साथ में था मेडिकल परीक्षण के दौरान भी और जो न्यायालय में उनके बयान के दौरान कल शाम को रात को करीब 8:30 बजे तक उनके बयान मिले हैं, तो कल पूरा दिन पुलिस उनके साथ में रही है। ऐसी कोई घटना ऐसी कोई सूचना हमारी नॉलेज में नहीं है, मगर उनके तीनों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई जिसमें जुवेनाइल है और दो वयस्क के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ तो जहां प्रदेश में सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे को बुलंद करने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की घटना सरकार और पुलिस प्रशासन पर निश्चित ही सवालिए घेरे में लाकर उसे खड़ा करती है। झज्जर से जगदीप राजन, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।